प्यारे बच्चों, आशा है आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आप सभी को फार्मूला भी याद हो गया होगा और सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मनन चिंतन उसका कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो प्राय कंपटीशन में उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन। तो बच्चों, इसको भूल करके कभी भी इसका आंसर 10 मत आप लिखिएगा, क्योंकि ये 10 डिग्री नहीं है, 10 रेडियन है। आपको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती है अगर एक्स इस इंटरवल के बीच में है, मतलब -90 to +90 क्लोज इंटरवल। तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग राइटर अलग अलग प्रोसीजर बताते हैं। कुछ लोग इनइक्वालिटी पर बेस्ड बताते हैं, जो आपको काफ़ी अटपटा लगता है। तो इसका हम एक सिंपलेस्ट तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं, आशा है आपको पसंद आएगा। आप सभी जानते हैं कि एक रेडियन की वैल्यू लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। तो ये अगर 10 रेडियन है तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 570 डिग्री होगा। तो 570 डिग्री इस रेंज के बीच में नहीं है, इसलिए हम इसको 570 डिग्री या 10 रेडियन नहीं लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इस एंगल को इस रेंज के बीच में लाना है, सिंपल यही प्रोसीजर है। तो बच्चों, ये फार्मूला आप पढ़े हैं कि जब एंगल ये काफ़ी बड़ा होता है तो उसको आप अरेंज करते हैं एन इंटू 360 प्लस थीटा। इस फार्मूले के हेल्प से इसको हम बदलेंगे, तो हम इसको लिखेंगे साइन 360 प्लस 210। साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये 570 से 210 आपको मिल गया। अब इसी के पैरेलल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसको सपोज करिए एक्स, तो इससे यह आपको कैसे मिलेगा, अगर इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मिल जाएगा। तो इसलिए एक्स में से आप 2π सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये 210 मिल जाएगा। इस चीज़ को आप 210 आप समझिए। तो और आपको ऑलरेडी पहले के लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स अलग अलग क्वाड्रेंट में है तो उनका रिजल्ट कैसे आप लिखेंगे, वो आपको याद होगा। फिर आपको एक बार पुनः याद दिलाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो। तो आइए इसके हेल्प से हम इसको अब चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स माइनस 2π थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसको आपको रेंज में लाने के लिए पाई माइनस दिस थिंग्स करना पड़ेगा। तो पाई 2π मिलकर के 3π माइनस एक्स हुआ, यानी अगर एक्स की प्लेस पर ये 10 रेडियन या 570 डिग्री है तो वो रेंज में आपको मिलेगा 3π माइनस एक्स। तो इस प्रकार से इससे आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन जो है, इस 10 की जगह पर आप लिखेंगे 3π माइनस 10। अब यह जो एंगल है यह आपके रेंज के अंदर आ गया, तो अब हम इसको हटा सकते हैं और इसका रिजल्ट मिलेगा 3π माइनस 10। 3π माइनस 10 हूबहू सेम रेडियन पर हम कास के साथ लेते हैं, कास इनवर्स कास 10 रेडियन। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसका भी रिजल्ट वही आपको नहीं प्राप्त होगा, जैसे इसमें आपको मिल गया 3π माइनस 10, तो इसमें भी 3π माइनस 10 नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का रेंज अलग अलग होता है। कास इनवर्स एक्स का रेंज आपको मालूम है 0 to π होता है। तो फिर हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं, कास 10 रेडियन अप्रॉक्सीमेट 570 डिग्री होगा, इसको चेंज कर दिए कास 360 प्लस 210, कास 360 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा। फिर इसके पैरेलल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे एक्स से, जैसे 570 से 210 मिला, यानी एक्स से यह स्टेप आपको कैसे मिलेगा, एक्स माइनस
2π से। तो यह जो cos 210 है यह आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। और cos का जो थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्ट होता है वो आपको हम पुराने लेक्चर में बता चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos इनवर्स cos x को हम लिखेंगे 2π - x। साइन इनवर्स के केस में पाई माइनस एक्स बना, इसमें 2π - x होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यह जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है इसको रेंज में लाने के लिए इसको x समझिए, तो इसे आप लिखेंगे 2π - x। 2π 2π मिलके 4π - x, यानी यह जो 10 रेडियन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेंज में 4π - 10। तो इसीलिए cos इनवर्स cos 10 रेडियन को हम लिखेंगे cos इनवर्स cos 4π - 10 रेडियन। फिर जब यह रेंज में आ गया तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 4π - 10 रेडियन। इस प्रकार से बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि साइन वही 10 रेडियन है, साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन में 3π - 10 मिल रहा है और cos इनवर्स cos 10 रेडियन में 4π - 10 मिल रहा है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, अगर आप इसको एंगल में कन्वर्ट करके करते हैं तो इसका आपको जो आप प्रोसीजर करेंगे उसकी एक्चुअल फीलिंग आपको मिलेगी। इस तरह से साइन इनवर्स साइन 6 रेडियन 8 रेडियन 9 रेडियन 12 रेडियन 15 रेडियन कोई भी रेडियन की वैल्यू दिया गया हो तो उसको इस तरह से आप कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको n इंटू 360 प्लस थीटा से कन्वर्ट करना है, फिर थीटा आपका बिलो 360 हो जाएगा, फिर उसको क्वाड्रेंट वाइज ध्यान दे करके आप चेंज कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेन ऑफ हाफ कास इनवर्स अंडर रूट 5/3, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ये टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बन जाए, ये पूरा टेन इनवर्स एक्स बन जाए तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब बात इस बात पे आके रुकती है कि हाफ कास इनवर्स एक्स इसको हम कैसे टेन इनवर्स एक्स में चेंज करें। तो आपको 2 cos इनवर्स x का फार्मूला मालूम है, 2 sin इनवर्स x का फार्मूला मालूम है, लेकिन हाफ cos इनवर्स x का फार्मूला आपको नहीं मालूम है। तो इसको हम लोग डेरिवेशन मेथड जैसे ही करने का प्रयास करते हैं। लेट हाफ cos इनवर्स अंडर रूट 5/3 इक्वल टू थीटा, इस पूरे को हम थीटा एज्यूम कर ले रहे हैं। अब कास इनवर्स को हम उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे ट्रांसफ़र करने के लिए इसका कोफिशियंट 1 होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कास इनवर्स अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 2 थीटा। तो अब कास इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, अंडर रूट 5/3 इक्वल टू कास 2 थीटा। अब बच्चों इस कास 2 थीटा को हम टेन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, इसको टेन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। अगर हाफ साइन इनवर्स एक्स होता तो वो आपका साइन 2x आ जाता, तो उसको भी आप टेन में बदलने का प्रयास करते अगर यहाँ पे टेन होता। तो इसका कास 2 थीटा का टेन में फार्मूला आपको मालूम है, 1 - tan² θ / 1 tan²θ। इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर हम आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हुए बता रहे हैं। सबसे पहले दोनों फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल कर देंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया 1 + tan²θ / 1 - tan²θ इज इक्वल टू 3/√5। अब बच्चों ये फार्म आपका बन रहा है a + b / a - b। अगर इस तरह से a + b / a - b है उस पर जब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो सीधे बदल जाएगा a / b में। तो इस पर भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, इस पर भी लगाना है, दोनों साइड में हम अप्लाई करेंगे। तो ये चेंज हो गया 1/tan²θ।
रूल क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो इस पर जब अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा, इसको याद रखिएगा। इस पर हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, इसलिए हम इन दोनों फ्रैक्शन का फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल करने पर मिला टेन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, दोनों चेंज होकर के इस तरह से हमें मिला। अब हमें चाहिए वैल्यू टेन थीटा का, ये टेन स्क्वायर थीटा है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट इसका सीधे नहीं अच्छा दिख रहा है कुछ, इसलिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आप प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर आपका 5, 9 माइनस 5 आपको 4 मिल गया। लेकिन ऊपर वाला जो है वो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर रूट रिप्लेस हो गया, माइनस 2ab करेंगे तो 6 अंडर रूट 5 मिल गया, 9 प्लस 5 14 माइनस 6 रूट 5 बाई 4 मिल गया। इसके बाद अगर हम न्यूमरेटर से 2 कामन कर लें और इसे सिंपलेस्ट कर दें तो हमें रिजल्ट मिलेगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 बाई 2। ये सिंपलेस्ट तो हो गया बच्चों, लेकिन इसका हम स्क्वायर रूट फिर नहीं लिख पाएंगे इजिली, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, न्यूमरेटर में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिख देंगे सीधे a माइनस बी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लाई है उसको यूज करते हुए हम 4 प्राप्त करेंगे, और 4 को हम लिख सकेंगे 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से इस को हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे, और इस कन्वर्जन से आप स्क्वायर रूट आसानी से लिख पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ध्यान दीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 का होल स्क्वायर। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको प्लस माइनस करके मिलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन के साथ, तो स्क्वायर तो रिमूव हो गया लेकिन ये पूरा प्लस के साथ मिलेगा और यही पूरा माइनस के साथ मिलेगा दोनों। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे खड़ा होता है कि आपका पॉजिटिव आंसर होगा या नेगेटिव आंसर होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, जो ऊपर आपने सपोज किया है उसको ध्यान दीजिए तो क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू क्या हमें लेनी चाहिए। थीटा देखिए हाफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 5 बाई 3 है, इससे आपको पॉजिटिव मिलेगा एंगल, और उसका हाफ कर देंगे तो भी पॉजिटिव होगा। अब अगर थीटा पॉजिटिव है तो क्या टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, यानी टेन थीटा हम ये नेगेटिव नहीं लेंगे, अतः टेन थीटा का वैल्यू मिलेगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, ये जो पॉजिटिव है उसको आप लेंगे। टेन उधर ट्रांसफर हो गया, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 3 माइनस रूट 5 बाई 2। आप थीटा किसको एज्यूम किए थे, हाफ कास इनवर्स अंडर रूट 5 बाई 3 को आप एज्यूम किए थे, और थीटा की वैल्यू ये टेन इनवर्स में आप कन्वर्ट हो गई। तो जहाँ पर आपका हाफ कास इनवर्स एक्स है उसकी जगह पर आप ये रखेंगे, देखिए हाफ कास इनवर्स अंडर रूट 5 बाई 3, इस पूरे को रिप्लेस करके और इसके प्लेस पर आप लिख देंगे टेन इनवर्स 3 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, टेन ऑफ टेन इनवर्स ये रिप्लेस हो गया और आपको रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस रूट 5 बाई 2। तो इस तरह से बच्चों अगर आपके क्वेश्चन में हाफ कास इनवर्स या हाफ साइन इनवर्स दिया गया है इस तरह की चीज, तो उसको इस तरह से चेंज करते हुए आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका कोई सीधा फार्मूला आपके पास नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई
प्लस कास इनवर्स जेड इक्वल टू 3π। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100x² प्लस 182y² होल डिवाइड बाई 47z². अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस इक्वेशन में तीन अननोन वेरिएबल है, तो तीन अननोन वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन से वैल्यू सीधे इन जनरल नहीं निकाला जा सकता है। तो आइए इस पर विचार करते हैं कि किस तरह से वैल्यू आप एक्स वाई जेड का निकालेंगे। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पुट करेंगे तभी आप इसको इसका रिजल्ट बता पाएंगे। तो हम जानते हैं कि कास इनवर्स एक्स का रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π होता है, इन तीनों का सम 3π है। तो आप सभी को मालूम है कि किसी एक की वैल्यू लेस देन पाई, इसकी भी वैल्यू लेस देन पाई, इसकी भी वैल्यू लेस देन पाई, तो तीनों का जो एडिशन होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 3π होगा, 3π से बड़ा कभी नहीं होगा। परंतु इस इक्वेशन में इसको एग्जैक्ट 3π दिया गया है, इससे बात क्लियर है कि कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स वाई, कास इनवर्स जेड तीनों की मैक्सिमम वैल्यू जब आप लेंगे तभी इन तीनों का एडिशन क्या आपको मिलेगा, 3π मिलेगा। इस कंक्लूजन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स जेड एंड इक्वल टू पाई। तो इसलिए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू कास पाई, कास पाई कास 180 डिग्री की वैल्यू -1, इस तरह से हमको एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू -1 प्राप्त हो गया। अब जिसकी वैल्यू हमको निकालना है उसमें एक्स के प्लेस पर -1 होल स्क्वायर, यहाँ वाई के प्लेस पर -1² और जेड के प्लेस पर भी -1² पुट कर दिए। -1 का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा 100 प्लस 182 होल डिवाइड बाई 47, ये दोनों आप ऐड कर देंगे 282 होल डिवाइड बाई 47, इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 6 मिलेगा। तो इस तरह से इनवर्स में मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के ही कई अननोन वेरिएबल के साथ क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं। इनका कॉन्सेप्ट इन जनरल यही होता है कि तीनों के मैक्सिमम वैल्यू से यह लिखा जाता है, बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बच्चों साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल टू पाई दिया है। अब आपको मालूम है कि साइन इनवर्स ए या साइन इनवर्स बी की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है, तो जब आप दोनों मैक्सिमम यूज करेंगे तभी आपको पाई मिलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि साइन इनवर्स ए भी π/2 होगा और साइन इनवर्स बी भी π/2 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। इफ tan इनवर्स x² माइनस tx प्लस a ग्रेटर देन 0, इफ x रियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, क्वेश्चन ये है। तो tan इनवर्स x का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -90 to +90 होता है। अब अगर tan इनवर्स x की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेड से और x क्या होगा, ये पूरा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से x² माइनस 18x प्लस a ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। अब एक रिजल्ट होता है, ये आप सभी जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² bx प्लस c ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है और x² का कोफिशियंट भी पॉजिटिव है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इस तरह से ये पैराबोला जब एक्स एक्सिस को नहीं कट करता है तो उसी कंडीशन में ये रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है, यूजफुल रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा। प्रायः क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 करके और आपसे कोई वैल्यू ज़रूर पूछी जाती है तो उस कंडीशन में आप ये नहीं समझ पाते हैं कि दो अननोन वेरिएबल है तो फिर वैल्यू हमारी मिलेगी कैसे। तो यानी a पॉजिटिव तो x² का कोफिशियंट 1 पॉजिटिव है, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी d लेस देन 0।
अब आप सभी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो आपका होगा। फिर हम कंपेयर करते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 18 और सी की वैल्यू स्मॉल ए। तो यहाँ पुट कर रहे हैं वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस 18 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू ए। तो ये माइनस 18 का स्क्वायर ही आपको पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4a, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये माइनस 18 स्क्वायर हो गया। इस इनइक्वालिटी में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा, ये जो लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी मिलेगा 4a ग्रेटर देन 18 स्क्वायर। फिर 4 को डिनोमिनेटर में ले गए और फिर इसको हम सिंपलेस्ट कर दिए तो हमको मिल गया a ग्रेटर देन 81, a ग्रेटर देन 81, यानी जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो 81 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी जो आप आंसर लिखेंगे नंबर लाइन पर आप इसको बना सकते हैं, और इंटरवल में इस तरह से लिखेंगे ए बिलोंग्स ओपन इंटरवल 81 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक विशेष गुण स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा, इसका यूज कंपटीशन के बहुत से क्वेश्चन में इसको हम करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं, उसमें लिखा जाता है सॉल्व। तो सॉल्व का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये लिखा गया है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो सॉल्व का मतलब कि इसमें जो अननोन वेरिएबल है एक्स, जैसे इसमें है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व का मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो हम इस पर नॉर्मल फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस फार्मूले को जब हम लगाए तो 2x प्लस 3x 5x और ये मल्टीप्लाई होकर के हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इस तरह से मिला हमें टेन इनवर्स 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम इस टेन इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र कर दिए तो 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, ये आपका 1 हो गया। अब यह जो एक इक्वेशन यहाँ पर आपको मिलेगा वो कंप्लीट अलजेब्रिक फॉर्म में मिलेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इन दोनों टर्म को इधर लाए 6x स्क्वायर फिर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम अरेंज कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप दो तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर इजिली उसका फैक्टर हो जाए तो आप फैक्टर करेंगे, अदरवाइज आप श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे। श्रीधराचार्य का फार्मूला आप जानते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a, कंपेयर करके a की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू माइनस 1 आप पुट करेंगे फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसका हम इजी गोइंग फैक्टर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसका फैक्टर कर दे रहे हैं। तो 6x स्क्वायर 5x को रिप्लेस कर दिए 6x माइनस एक्स से, माइनस 1 आ गया, इन दोनों में 6x कामन x प्लस 1, इन दोनों में माइनस 1 कामन x प्लस 1, फिर अगली बार x प्लस 1 कामन किए दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल रहा है 6x माइनस 1। जब दो मल्टीप्लाई में वेरिएबल होते हैं, अब ये करेक्टर है ये करेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इस कंडीशन में आप लिखते हैं आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको रिकॉल करना है कि कब हम एंड लिखते हैं, आइदर दिस जीरो एंड दिस जीरो, यहाँ पर तो आर यूज करते हैं आप लैंग्वेज, यहाँ पर
आप आर यूज करते हैं। तो आइदर फर्स्ट इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू माइनस वन। आइदर सेकेंड इक्वल टू जीरो मीन्स सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू वन बाई सिक्स। अब इस स्टेप में पहुंचने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स की वैल्यू माइनस वन और एक्स की वैल्यू वन बाई सिक्स दोनों मिल रहा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब उसको जानने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि जो आपको रिजल्ट मिले उसको वन बाई वन, जो आपका इक्वेशन दिया गया है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपका जो यह इक्वेशन दिया गया था वह टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, इसमें हम पुट करेंगे। तो अगर हम x के प्लेस पर माइनस पुट करेंगे माइनस वन, तो टेन इनवर्स माइनस टू होगा और टेन इनवर्स माइनस थ्री होगा। टेन इनवर्स माइनस टू से आप नेगेटिव एंगल प्राप्त करेंगे और टेन इनवर्स माइनस थ्री से भी आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो दो नेगेटिव एंगल का सम क्या पाई बाई फोर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो माइनस वन है ये माइनस वन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब x इक्वल टू वन बाई सिक्स लेते हैं, तो वन बाई सिक्स को जब आप रखेंगे तो 2x में जब 1 बाई सिक्स रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई थ्री, और जब 3x में आप 1 बाई सिक्स पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई टू। मतलब आप ये समझिए ये x है ये y है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, और जब x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है उसी कंडीशन में आप फार्मूला अप्लाई करते हैं सीधे टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई। दूसरी बात, यह वैल्यू लेस देन 1 है, यह वैल्यू भी लेस देन 1 है, तो टेन इनवर्स 1 बाई थ्री लेस देन 1 मीन्स इसका जो एंगल आएगा लेस देन 45, और टेन इनवर्स हाफ इसका भी वैल्यू लेस देन 45 आएगा। तो दो 45 से लेस वैल्यू ऐड हो करके 45 हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू 1 बाई सिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इन दोनों आंसर में जो आपका आंसर होगा वो होगा x इक्वल टू 1 बाई सिक्स। कभी कभी कंपटीशन में आपके ऑप्शन में ये दोनों आंसर दिए गए रहते हैं, और चूंकि आपको दोनों आंसर मिलता है सॉल्व करने पर, इसलिए आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। आप इन दोनों आंसर को करेक्ट आंसर समझ करके आप अपने ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमेशा सॉल्व के क्वेश्चन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको इक्वेशन में भर कर ज़रूर आप चेक करेंगे कि वह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम लोग एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स को आप एक्स अगर आप लिखेंगे, अगर सपोज करिए रेंज के अंदर है तो एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये आपका अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स इक्वेशन है। तो जब भी दो डिफरेंट फंक्शन से इक्वेशन जनरेट किया जाता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो लेफ्ट साइड है उससे आप एक फंक्शन बना लीजिए। जैसे आपका लेफ्ट साइड है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो उसको आप वाई इक्वल टू लिख दीजिए, और जो राइट साइड आपका है उससे भी एक फंक्शन बना लीजिए वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब आपके पास ये दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का ग्राफ आप एक ही साथ ड्रा करेंगे, उनके जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेंगे उतने उसके सॉल्यूशन या रियल रूट्स होते हैं। ये इसको करने का तरीका होता है। अब बच्चों वाई इक्वल टू साइन एक्स आप सभी जानते हैं कि ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ है, जीरो पाई टू पाई, ये आप जान रहे हैं, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, ये टू पाई है। तो जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये आप जानते हैं कि ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स,
तो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपको हम पहले के लेक्चर में आपको समझा चुके हैं, तो उस पर एक बार फिर से आप अवलोकन करेंगे, एक बार देखेंगे। ये ग्राफ आपका है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का, इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। इसमें आप ध्यान देंगे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक ये स्ट्रेट लाइन है, पाई बाई टू से थ्री बाई टू तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, और थ्री पाई बाई टू से आगे फिर स्ट्रेट लाइन है। तो आपको जो ग्राफ यूज करना है आपके क्वेश्चन में वो जीरो से लेकर के टू पाई तक यूज करना है, मतलब इतना ग्राफ आपको यूज करना है। इसका आप रेंज ध्यान देंगे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, तो इस ग्राफ को उस साइन एक्स के ग्राफ के साथ बनाते हैं। देखिएगा, जीरो पाई बाई टू और पाई बाई टू से ये थ्री पाई बाई टू फिर टू पाई, तो ये आपका है पाई बाई टू और ये पॉइंट आपका है थ्री पाई बाई टू। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वन होती है। देखिए जो ब्लू ग्राफ है वो वन तक गया है, लेकिन जो साइन इनवर्स साइन एक्स है वो पाई बाई टू तक है, तो पाई बाई टू ग्रेटर देन वन, तो इसलिए ये ग्राफ आपका ऊपर तक गया है, फिर इस तरह से इस तरह से। तो जो ब्लैक कलर में ग्राफ बना है वो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, और जो आपका ब्लू कलर में ग्राफ है वो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। बच्चों, हमको इसका जो रियल रूट्स है वो किस इंटरवल के बीच में बताना है, ओपन इंटरवल जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ग्राफ जीरो से टू पाई पर कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसका मतलब इसके सेवन रियल रूट्स होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ओपन इंटरवल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए जीरो और टू पाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप छोड़ देंगे, बाकी काउंट करेंगे। फिर से काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इस तरह से इसके फाइव रियल रूट्स होंगे, यानी जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो फाइव होंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसमें वेरिएबल के रूप में साइन इनवर्स एक्स यूज हो रहा है, तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स को ए पुट कर लें, यहाँ पर ए यहाँ पर ए, तो हमें इक्वेशन मिलेगा टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यह इक्वेशन क्लियर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ वही चीज़ आपसे हम कहेंगे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसको या तो आप फैक्टर से सॉल्व करेंगे या श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पर फैक्टर से कर दे रहे हैं, माइनस ए को रिप्लेस कर दिए माइनस फोर ए प्लस थ्री ए, इन दोनों में कॉमन आपका हुआ टू ए, ब्रैकेट में बच रहा है ए माइनस टू, इन दोनों में प्लस थ्री कॉमन बचा ए माइनस टू, ए माइनस टू दोनों में कॉमन बच रहा है टू ए प्लस थ्री। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है, तो आइदर फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो, आइदर फर्स्ट जीरो देन ए माइनस टू इक्वल टू जीरो देन ए इक्वल टू टू। अब हम एक किसको एज्यूम किए हैं, साइन इनवर्स एक्स को एज्यूम किए हैं, तो हम ए की वैल्यू पुट कर दिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी साइन टू, साइन टू। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू, साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू का मतलब हुआ 3.14 डिवाइड बाई टू, 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लेस देन 2 मिलेगी, यानी यह जो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है ये हमारे इस रेंज से आउटसाइड हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा सलूशन नहीं होगा। दूसरा, आइदर सेकेंड इक्वल टू जीरो देन स्मॉल ए इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू
ए की वैल्यू हम साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -3/2 मीन्स -1.5। अब -1.5 ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेंज है। तो अगर इस रेंज को आप देखने का प्रयास करें तो 3.14/2, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2, 2, 5 जा 10, 7, 1.57, और ये आपका लोअर पॉइंट आपका मिलेगा -1.57 रेडियन। इसके बीच में वैल्यू होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाइज कर रहा है, यानी ये आपका आंसर है। फिर आपको यहाँ पर अलर्ट होना पड़ेगा कि हमको दो रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन दोनों में कौन सा रिजल्ट है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर रेंज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर इनवर्स में कोई इक्वेशन आता है तो उसको सॉल्व करते समय आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। अतः इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो 1 होगा, इसमें दो सॉल्यूशन आपके नहीं होंगे, यह इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से अगर दो अलग अलग करेक्टर में नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स पूछता है तो उसको आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे, और अगर अननोन वेरिएबल पर बेस्ड इक्वेशन दिया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसको फिर इक्वेशन में पुट करके आप वेरीफाई करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस आधार पर आप आंसर देंगे। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप अभ्यास करेंगे।